देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। तो क्या मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, जरा तस्करा करते हैं पाकिस्तान की मीशत का। FATF का इजलास जारी और पाकिस्तान में बसने वाले बहुत से लोग इस उम्मीद से जुड़े हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होता हुआ दिखाई देगा। साथ में ऐसे इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर इसहाक डार साहब ने शायद कहा जा सकता है कि अमेरिका को रूठने मनाने वाला जो सिलसिला है फिर से शुरू किया। रशिया के हवाले से जो तेल की इंपोर्ट है, ये जो स्टेटमेंट आया है इसहाक डार साहब की जानिब से, इसने यकीनी तौर पे तमाम तर सूरत हाल को गर्मा सा दिया। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जहां पे ये हुकूमत की जानिब से एक ऐसे इकदाम हो सकता है मुल्क में मौजूदा महंगाई की लहर को देखते हुए, तो दूसरी जानिब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि 6 माह पहले जब पिछली हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ये बात किया करते थे तो उसको निगेट किया जाता था, और उसके बाद 6 माह तक मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब यकदम इसहाक डार साहब ने पासा पलट दिया और रशिया से फिर से तिजारत की, ट्रेड की और तेल की बरामद की बात कर दी। इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब जरा ये बताइएगा कि इस पैराए में जब हम देखें कि FATF का इजलास जारी है, इसहाक डार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, क्या अमेरिका को ये स्टेटमेंट गिरा गुजर सकता है? क्योंकि मुझे एक जुमला याद आ रहा है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ये स्टेटमेंट की अगर मैं रोशनी में देखूं और FATF का इजलास देखूं और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनूं तो शायद कुछ अलग सा तासुर जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जब लास्ट 6 to 8 months पे जब ये कहा गया था कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है जी, ठीक है, और वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो रशिया में उस वक्त मुकीम भी थे, उस वक्त एक जंग भी छिड़ी हुई थी वहां पर जी। तो उस वक्त अमेरिका ने इस वक्त बरहमी का इजहार उस हवाले से नहीं किया था कि तजारत के हवाले से, मगर एक इनडायरेक्ट अपना ओपिनियन इंटरनेशनल मीडिया के सामने आया था अमेरिका का जी। पाकिस्तान जो था वो उस वक्त कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब इस डील को तकरीबन सक्सेसफुली मूव कर रहे हैं और इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है, मगर अल्टीमेटली हुआ ये कि ना वो डील डन हुई और ना ही उसके ऊपर कोई आगे कॉन्सिक्वेंस हुआ। असल इम्कान ये हुआ कि वजीर आजम इमरान खान साहब को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। ये जो भी कॉन्सिक्वेंसिस थे, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इसके अंदर एक चीज बोली कि एक साजिशी हिस्सा बना हूं मैं, और बहुत ही और अली अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो तमाम तर जो खान साहब ने साजिश का तस्करा किया वो इसकी बहुत बड़ी बेसिस यही थी कि पाकिस्तान ने जो रशिया के साथ एक तवील अरसे से ताल्लुकात मुनकता थे उसको बहाल करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अपना जो ब्लॉक था चाइना रशिया वाला उस ब्लॉक का तयन किया था। अब अगर हुकूमत ये स्टेटमेंट दे रही है कि वो रशिया की तरफ जाना चाह रही, ये स्टेटमेंट की टाइमिंग की बड़ी अहमियत है। हम सब इस बात को कहीं ना कहीं समझते हैं, फील करते हैं कि FATF की जो बॉडी है उसमें अमेरिका का यकीनी तौर पर एक असर रसूख है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग से है। ऐसे मौके के ऊपर इसहाक डार साहब शायद खामोशी से एक काम कर जाते, अनाउंस ना करते तो शायद बेहतर ना होता। देखिए जब भी ऑयल की बात आती है ना, तो ऑयल आपने पाकिस्तान में इनलैंड टू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं होता कि आपने अपने पड़ोसी ममालिकों से ले लिया गया। ये एक बहुत बड़ी कमोडिटी मार्केट है जिसके अंदर आपने एक ऑर्डर प्लेस करना होता है, ऑर्डर लेना होता है, फिर उसकी फ्यूचर के रेट के ऊपर आपने उसको बुकिंग डालनी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये, तो आप छुपा तो सकते नहीं है इन चीजों को, क्योंकि सर दो दिन का इंतजार कर लेते शायद FATF इस बार नजर करम कर देता, कोई इस बार बहाना देके इस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के मामले को अब तूल ना देता, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर भी हो जाता और आप रशिया के साथ ट्रेड भी कर सकते। देखिए एक चीज तो ट्रेड की एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो अभी हम मैं बार बार अपने प्रोग्राम से आपके प्रोग्राम के तवस्तु से कहता चला आया हूँ कि तिजारत हर इकोनॉमी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है उसके ग्रोथ के लिए जी, ठीक है। चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी मुल्क आइसोलेशन में, जैसे ईरान को आइसोलेशन में रखा हुआ है तो उसकी इकोनॉमी देखें डिस्पाइट इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो उसकी मैन फंक्शनिंग है उसकी इकोनॉमी, बिल्कुल। तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो तिजारत के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। टैक्सेस तो आपके इनलैंड होते हैं, वो तो जब आप तिजारत करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्सिक्वेंस इंपैक्ट आता है तिजारत, बिल्कुल सही। तो दूसरे एंड के ऊपर आप देखेंगे आपका जो इस वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक साइड पे इंडिया के साथ आपकी तिजारत मुनकता है, दूसरी जानब अफगानिस्तान के साथ आपकी तिजारत मुनकता है, फिर साथ साथ आप जो है रशिया जो कि आपको एक थोड़ा अपर साइड पे जाके आप तिजारत कर रहे हैं, ठीक है।
तो अल्टीमेटली कोई भी चीज अगर आप इस पैरामीटर के ऊपर देख के कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट अफेक्शन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। अब इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है, देखिए सियासी इख्तलाफ एक तरफ होते हैं, डिप्लोमेटिक इख्तलाफ एक तरफ होते हैं, मगर इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर आपने रन करना होता है। लेकिन लेकिन अली अली सवाल तो आखिर में ही आता है ना कि मईशत की बात की जाती है, अपने लोगों की बात की जाती है, बल्कि मुझे स्टेटमेंट भी याद आ रहा है खान साहब का जब अमेरिका में वो थे और एक इनफैक्ट जब वो रशिया के दौरे से वापस लौटे और उनसे इंटरनेशनल टेलीविजन पे ये सवाल पूछा गया कि आपने उस वक्त रशिया का दौरा क्यों किया, तो उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि मैंने अपने मुल्क के 22 करोड़ आवाम की फिक्र पहले करनी है और उनकी महंगाई उनके मामलात को पहले आगे रखते हुए तरजीह देनी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट उसी रविश के ऊपर फिर चल रही है जिसको वो पहले निगेट करती रही, जिसको पहले इनकार करती रही। देखिए इनकार अगर कहा जाए तो वो पीडीएम की जानिब से कहा जा सकता है इनकार, ठीक है, मगर मैं बार बार आपसे एक बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर चाहे वो किसी भी आप इस डार साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं मुराद अली शाह साहब की भी बात कर रहा हूँ, मतलब आपने ये लोग एक पढ़े लिखे लोगों में से आप शुमार कर ले आप इनको ना, मैं कोई इनसे कोई मेरा सियासी इख्तलाफ नहीं है और ना ही मेरा इनके साथ कोई इख्तलाफ है। अगर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हम इनके साथ मिलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे ही तबादले ख्याल होते हैं व्यू पॉइंट के हवाले से, वो डेफिनेटली पार्टी के मैंडेट को लेके वो चीजें लेके चलते हैं तो वो उसमें अपोजिशन और फिर आपकी फेवरेटिज्म वो फिर बहुत सी चीजें काउंट हो जाती है। अगर देखें तो ये अगर हमारे मुराद अली शाह साहब हैं, फिर ये एहसास साहब हैं, फिर इस तरीके कुछ कॉम्पिटेंट लोग, मतलब मैं एजुकेशन वाइज बात कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस वाइज बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस तरीके कुछ लोग हैं जो इन पैरामीटर्स को बेसिक बारीक बीन से अंडरस्टैंड करते हैं। अब जब वो देखे ना, बात वही हुआ कि इसहाक डार साहब जब आए हैं वजीर खजाना की पोस्ट पे तो उन्हीं के पार्टी के मेंबर जो थे मिस्टर इकबाल साहब, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया, यानी ये कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम यूनियन ने क्रिटिसाइज किया उस वक्त, तो आप सब जान आप मौजूदा वजीर आजम ये उस वक्त कहते रहे बेगर्स कांट बी चूजर्स, बड़ा मशहूर मारूफ फिक्र आई है उनका। एग्जैक्टली अब जब ये दोनों जब मतलब ये सरकार साथ से पोजीशन पे आए हैं तो मिस्टर इस्माइल साहब के साथ समझ लें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस आया, बिल्कुल, पीएमएलएन के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आया, यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन जो था इसहाक डार के फेवर में जो है वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का था, मतलब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इसहाक डार समझ लें एक प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल सही। तो जब ये तो एक इंटरनल बेसिस पे रिफ्ट होता है, असल में बात ये होती है कि कुछ लोग अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट आता है और वो पॉजिटिवली, मतलब डेफिनेटली ये बात नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब ने कोई गलत इकदाम किया था, इमरान खान से एक अच्छा इकदाम किया था इकोनॉमिक पैरामीटर के ऊपर, साहब अगर उसको प्रोमुलगेट कर रही है उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं तो। लेकिन अली अली सवाल तो यही है ना फिर कि क्या बेहतर ना होता कि जो 6 महीने पहले ये मामला को वहीं से कंटिन्यू कर लिया जाता, नई हुकूमत आते ही पिछली हुकूमत के अगर फैसले को आज मानना चाहती है तो उसको उस वक्त मान लेती और उसको उस वक्त परस्यू कर लिया जाता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब दो ममालिक में इस तरह की बात होती है, जब इस तरह की डील्स क्रैक की जाती है तो ये प्रोसेस है, तो शायद जो प्रोसेस का टाइम है वो हम बचा सकते और 6 महीने में जो माशी बेड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान का, जो मुश्किल हालात से आज पाकिस्तान की सनअतें गुजर रही हैं, पाकिस्तान की आम आवाम गुजर रही है, जो पेट्रोल की कीमतें इस वक्त आसमान से बाती हुई करती दिखाई दे रही हैं, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई नजर आती है, शायद ये मामला से पाकिस्तान बच निकलता। सर देखिए सबसे पहली चीज तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब बताते हैं खुद बहुत अच्छे लीडर हैं और उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहसीत पाकिस्तानी भी और बहसीत उनके नजरियात के साथ, ठीक है, मगर सबसे बड़ा इख्तलाफ जो इमरान खान साहब के साथ है वो ये है कि उनकी पार्टी कभी उनके साथ मुझे अलाइंट खड़ी भी दिखाई नहीं थी। आप ये देखिए ना कि अभी तो हम रशिया के साथ आज बातें कर रहे हैं ना, ये एग्जीक्यूशन होती है, इसहाक डार साहब ने आज एग्जीक्यूशन किया, ये रेट 3 महीने के बाद का है, 4 महीने बाद एग्जीक्यूट होता है, हम अभी सिर्फ इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि 6 महीने पहले, आज तो ख्वाहिश का इजहार किया, आज एग्जीक्यूशन नहीं की, ख्वाहिश का इजहार किया, मैं वही कह रहा हूँ ना 6 महीने पहले अगर सोचा गया और आज सोचा गया तो दोनों में एक चीज कॉमन है, कॉमन फैक्टर है कि सोचा गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन ना उस वक्त हुई और ना अभी हुई है, जब होगी तब की तब देखा जाएगा कि पाकिस्तान सुपर पावर बनता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अमेरिका से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये तो जबकि जब बात होगी। मैं आपको इसी के ऊपर एक बात लेता चलूं कि ये तो एक रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, यही इमरान खान साहब जब इंटरनेशनल, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में ये बात कहता चला हूं, शायद आपको ये तल्ख भी लगे कि जब ऑयल जो है वो एकदम नीचे लेवल के ऊपर आ गया था जी, तो नदीम बाबा साहब
बल्कि एक ब्रोकरेज हाउस के बंदा भी जो है वो एक हमारे टीवी चैनल के ऊपर रात ही रात 11:30-12 बजे का टाइम था रात को, और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे जो है वो आए थे, हमारे बहुत बड़े मोटाबर ब्रोकरेज हाउस है उसका, उसके एक एनालिस्ट आए थे टीवी चैनल पे जी, और उन्होंने इसी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को अगले 3 महीने में सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया था जब वेस्ट ऑयल मूव टू द नेगेटिव रेट इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो मैंने यही कहा था कि अभी एग्जीक्यूशन हुई नहीं, अभी तो उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप उन्हीं साहब की बात करें जो बजट को लूट चल बजट कहा करते थे। सर अभी मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मगर एक चीज है कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है, ये वाली कहानियां बहुत हो गई पाकिस्तान के अंदर कि कोई चीज का भी सोच ही जाता है और हम उसको अमली जामा पहना के उसके एग्जीक्यूशन रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं। तो अली जरा ये इसको समराइज करें, क्योंकि आईएमए के हवाले से मामला कशीदा है, अभी उस पर भी क्लैरिटी नहीं हमारे पास। ठीक है, आईएमए के साथ अगर बात की जाती है तो आईएमए के शिकंजे में आप बहुत बुरी तरीके से जकड़े हुए, आप कह रहे हैं जकड़े हुए, इसाकदार साहब कह रहे हैं मैं संभाल लूंगा, वो आस्तीने चढ़ाकर अमेरिका चले गए, उन्होंने गालिबन अब तक मना लिया होगा लीगी हलकों से, तो अभी तक यही बात इतलात सामने आ रही है कि आईएमएफ के साथ तो सूरत हाल काबू में दिखाई दे रही है, आपको लगता काबू में? मैं देखिए एक चीज आपसे तुरंत इंडोर्स करूंगा, मिसाल के तौर पे कि मैंने आपसे कर्जा लिया और फिर कर्जा लिया और फिर कर्जा लिया, ठीक है, 3 दफा मैं आपके कर्जे का डिफॉल्ट होता चला गया, ठीक है, और मैं जो हूँ उसको किसी सूरत में पे करने की सलाहियत नहीं रखता हूँ, फिर आप अगली दफा अगर मुझे देंगे तो एक इंडेमनिटी लेते हैं मुझसे डेफिनेटली, क्योंकि आपको अपने पिछले 3 दफा के कर्जे रिकवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, अगर ये इंडेमनिटी कोई एक ऐसा शख्स दे देता है जिसके इंटीग्रल पार्ट हो या उसकी इंटेग्रिटी हो बहुत अच्छी इंटरनेशनल मार्केट में, तो डेफिनेटली आप विदाउट हेसिटेशन वो चीजों को मेरे को प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही, अदरवाइज आप मेरे ऊपर डिक्टेशन करना शुरू कर देंगे। तो आप गालिबन ये कह रहे हैं कि सागदार साहब के हवाले से जो माजी में जो इल्जामात लगे हैं, जो उनके इंटरव्यूज रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री की सूरत में जो कुछ बातें मंजर आम पे आई हैं, जो दीगर पानामा लीक्स वीकी लीक की सूरत में जिस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आए थे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला थे सागदार साहब की बार्गेन को या उनकी जो ओवरऑल डिस्कशन को मुतासर कर रही है? डेफिनेटली देखिए, एक की जरा गौर तो करें ना यार सर की, आप बर्तानिया के वजीर आजम साहब ने क्या किया ये पानामा लीक के बाद, XYZ ने इंटरनेशनल मार्केट पे क्या किया और पाकिस्तान में क्या हुआ जी? ठीक है, पाकिस्तान में मतलब जिनके ऊपर इल्जाम लगाए गए उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई, नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पूरा का पूरा वो किया, फिर जो हमने क्या मेमो गेट था जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी इमरान खान साहब ने आया थी, तो ठीक है उस पर कितने मिलियन $ हमने खर्च किए, हासिल जमा क्या था? लेकिन अली वो यकीन तौर पर वो बात बड़ी है मैं, लेकिन हम देख रहे थे कि डार साहब जब लंदन की फ्लाइट से बरास्ता लंदन होते हुए पाकिस्तान लैंड कर रहे थे तो हवाई जहाज में ही जब वो मौजूद थे तो डॉलर नीचे आने लगा, फिर हमने देखा कि डॉलर बहुत तेजी से नीचे आया और फिर रुक गया, और जैसे ही सागदार साहब US पहुंचे पाकिस्तान से दूर होते गए तो वो डॉलर जो नीचे आ रहा था वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया, आज डार साहब वापस आ गए लेकिन डॉलर अपनी जगह पे फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब वो डार साहब का जो करिश्मा था जो उनकी शख्सियत का असर था शायद वो जाहिल हो गया या उस तरीके से इंपैक्ट नहीं कर पाया। देखिए अभी अभी तक तो जो है देखिए किसी भी बार बार मैं ये बात कर रहा था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी बार बार ये बात करता था कि कोई भी एक पोजिशन पर अगर आप एक कॉम्पिटेंट बंदा बैठाते हैं तो एक तो उसको टाइम दे करने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए दें। सही। फॉर्चुनेटली अब्दुल हफीज शेख साहब जो कि PPP के मेंबर हुआ करते थे उनके जमाने में वजीर थे, उनको इमरान खान साहब ने जब बैठाया और उन्होंने डिलीवरी करना शुरू किया और IMF के साथ नेगोशिएट करके चीजें बेहतर हुई, तो अल्टीमेटली महंगाई की वजह से उनको हटा दिया गया, तो एक इनस्टेबिलिटी आई इस फाइनेंस डिविजन के अंदर। जी। फिर हमने शौकत तरीन साहब को लेके आए, शौकत तरीन साहब एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर थे जिनके ऊपर ओमनी ग्रुप के चीजें चल रही थी, मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन साबित हो गई, वो अपनी जगह वो डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मगर अल्टीमेटली आप PTI गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक एलिगेशन लेके खड़ी हुई थी और उन्हीं के शख्स को जो है वो अली ये यकीन तौर पे है मैं, मुझे सिर्फ इस बात को बता दें क्योंकि प्रोग्राम में वक्त भी बड़ा मुख्तसर रह गया, डार साहब की जो मौजूदा पोजीशन है और हम IMF के हवाले से भी देख रहे हैं, डू वी सी कि IMF के हवाले से जो मामलात हैं वो जल्द तय हो जाएंगे, रशिया के हवाले से जो आज डार साहब ने गुफ्तगू की वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाएंगे, और FATF के हवाले से जरूर बताइएगा इन शॉर्ट के क्या आपको लग रहा है कि अब जो अनाउंसमेंट होगा या जल्द होगा जो भी उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर जाएगा?
देखिए मेरा अपने इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि आईएमएफ के साथ क्या मुसाकरात होंगे कि हम आपका लोन बाद से पे करेंगे, इंटरेस्ट पेयर करेंगे, ये करेंगे, हमें इन चीजों में बात नहीं करनी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है ठीक है गवर्नमेंट की। मतलब हम क्या उसको मनाएंगे कि अगले 10 साल भी आपके गुलाम रहेंगे ठीक है। आईएमएफ के साथ आईएमएफ को पे करने के लिए एग्जीक्यूशन क्या है पाकिस्तान में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और रशिया वाले मामले के ऊपर आप, मैं उसी के ऊपर बात करूं कि रशिया के साथ मामला मैं इसी को लिंक करता हूं कि आईएमएफ को एंटरटेन करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूशन पॉलिसी हो तो हम अभी आईएमएफ के सामने आंख निकाल के खड़े हो जाए। सही, हर दफा मनाना यार 10 दिन का टाइम दे दो, 1 महीने का टाइम दे दो, साल का टाइम दे दो, जिंदगी भर हमारी आगे नस्लें मैं शायद दादा बन जाऊंगा, मेरी नस्ल जो है वो भिखारी रहेगी ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें इस पर एग्जीक्यूशन करनी चाहिए कि हम ऐसी क्या डेवलपमेंट करेंगे 2 साल के अंदर पाकिस्तान इकोनॉमी आईएमएफ से निकल जाए। सही ठीक है। आप रशिया की बात करते हैं, रशिया से पाकिस्तान अगर ऑयल इंपोर्ट करता है एक अच्छी शराइत के ऊपर, क्योंकि रशिया के साथ पाकिस्तान का कोलैबोरेशन रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी अपने या जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी है इसके साथ मिलके जो आपके नेबर कंट्रीज है उनके साथ से तिजारत ओपन करें, क्योंकि जब तक आप मासेस के ऊपर अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को खासतौर से अपने रीजनल बॉडीज के साथ नहीं करेंगे पाकिस्तान की मई उस लेवल का इंस्टो नहीं आ पाएगा कि आप आईएमएफ को 2 साल या 1.5 साल के अंदर खैर बात कर सके। और जो तीसरा मामला है हम एफएटीएफ, क्योंकि मैं बहुत महदूद रह गया अली साहब, ठीक है एफएटीएफ के अंदर अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान को अगर व्हाइट लिस्ट भी कर दिया जाता है तो फिर अगेन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की मईशत का इस्तेमाल क्या है। 217 रुपए के हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है कि इस तमाम तर फैसले के मुस्बत असरात को बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सके ठीक है। अब इसके अंदर चाहिए ये कि पाकिस्तान का ठीक है अपने इख्तलाफ होगा अफगानिस्तान के साथ, अपने इख्तलाफ होगा भारत के साथ, अपना ये एक लेवल पे इख्तलाफ है, मगर अगर इकोनॉमी के लिए देखा जाता है तो फिर उसके अंदर तो हमारे तो सबके साथ तिजारत खोलनी चाहिए ठीक, नो डाउट ठीक है। ताकि जितना पाकिस्तान हमें ये नहीं देख रहे कि हमको उसके साथ तिजारत खोल के उसको क्या फायदा होगा, हमको क्या नुकसान होगा, हमें कड़े मेजर्स रखते हुए तिजारत को ओपन रखना चाहिए इन तमाम तरह की बिजनेस कम्युनिटीज पर वो अली आपका अली टाइम मेरे पास मुख्तसर है, आपका आपका मौकफ आ गया और आपका यकीन तौर पर मौकफ का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला और ये तीन मौजूद बड़े अहम है कि पाकिस्तान का आने वाले दिनों में लायमल क्या होगा। एफएटीएफ के इजलास से कबल सागदार साहब के इस बयान का आना कि वो रशिया की तरफ फिर से रुख करेंगे और रशिया के साथ जो तजारती मामला हैं उनको फरोख दिया जाएगा, वहाँ से तेल की बरामदात की जाएंगी, और साथ में दूसरी जानब रशिया के हवाले से जो मामला जो स्टेटमेंट दिया, क्या सागदार साहब इस मौजूदा गवर्नमेंट की सिचुएशन को देखते हुए उस तमाम तरह एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट भी कर सकेंगे या महज इस जबानी जमा खर्च होते हुए दिखाई देंगे। तीसरा सबसे बड़ा अहम मसला आईएमएफ, आईएमएफ के हवाले से इस वक्त तक क्लैरिटी नहीं है, इस वक्त भी गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि आईएमएफ पाकिस्तान के हवाले से मुतमईन है, आईएमएफ को मुतमईन कर दिया गया और आईएमएफ के हवाले से मामला तय पाए। यकीन तौर पर तमाम तो चीज़ें बड़ी अहम होने जा रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मीशत का पाकिस्तान में होने वाले आइंदा आम इंतखाबात पे एक गहरा असर पड़ेगा। हुकूमत कहीं ना कहीं इस विंडो को तलाश करने की कोशिश में है कि किसी भी तौर पे पाकिस्तान में जो माशी इस्तेकाम है उसको लाया जा सके, महंगाई कम की जा सके और फिर जो अवामी रद्देमल है उसको वोट्स की सूरत में मुस्बत तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा, उम्मीद करते हैं कि जल्द पाकिस्तान की मीशत अपने पैरों पे मजबूती से खड़ी और मुस्तहकम नजर आए। उम्मीद करते हैं आप अपना ख्याल रखेंगे, आज के लिए अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।